हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज वही कल लास्ट डे फ्राइडे है, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज हम देखेंगे हमने कैसे प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, आज के मार्केट से हम क्या सीख सकते थे और नेक्स्ट वीक मंडे मार्केट कैसे होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ओके, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, तो आज हमने प्रॉफिट कितना बुक किया। आज हमने 37K प्लस का प्रॉफिट बुक किया, और आपको पता है कि एक एक लॉट का जो प्रॉफिट है हमने काउंट किया। ओके, ज़्यादा प्रॉफिट हमने काउंट नहीं किया। और अगर आपको जानना है कौन कौन सा कॉल्स पे हमने काम किया था और प्रॉफिट बुक किया था, काइंडली फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर हर रोज़ अच्छा खासा कॉल्स रहता है, जिसके हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट आप हर रोज़ जनरेट कर पाओगे। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि इन फ्यूचर रहने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो आज मैं आपको जो जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मेरा क्या लेवल्स था, मेरा लेवल्स था 36,500 का। ओके, मैंने यहाँ पर देखिए बोला था बाइंग करने के लिए इसके ऊपर, तो ब्रेकआउट दिया, अगर आप बाय करते तो आपको ये मोमेंट मिल जाता इजीली। इसके बाद मैंने बोला था ये एक ग्रीन कलर का जो जोन है ये मैंने आपको बनाकर दे दिया था, और मैंने बोला था इस लेवल्स के नीचे अगर जाता है तो आप सेल करो, या यहाँ से रिवर्स दे तो बाय करो। तो यहाँ पर एक बार रिवर्स भी है, अगर रिवर्सल भी आप ट्रेड लेते तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता, और अगर ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेते तो यहाँ से भी यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो मार्केट ने आज आपको कितना चांस दिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन। ओके, मार्केट ने आज आपको तीन बार चांस दिया था प्रॉफिट बुक करने के लिए बैंक निफ्टी में। तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसका कितना प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। तो देखते हैं, मार्केट हल्का सा गैप अप, अब बोल सकते हो फ्लैट ही बोल सकते हो, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये रेड कलर का कैंडल बना है, इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल, ओके, बड़ा सा। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा दो तीन कैंडल कंसोलिडेट किया और एक ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद थोड़ा सा दोबारा कंसोलिडेट किया और सीधा यहाँ से ऊपर ऊपर करके चला गया। आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, तो मेरा तो मैंने आपको लेवल्स दे दिया था कि इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल करो, इसके अलावा भी आप कैसे ट्रेड ले सकते हो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो आज मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर बनाया था डबल टॉप, देखो, ओके, एम पैटर्न बोल सकते हो डबल टॉप। तो आपको पता है, अगर आपको एम पैटर्न या डबल टॉप के पैटर्न के बारे में पता नहीं है तो ये भी आप सीख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर रख दिया है मैंने। अगर आपको पता होता तो इस हिसाब से भी नेकलाइन को ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाता, ओके, डाउन साइड में। इसके अलावा CPR, ओके, जो CPR का ट्रेड है, CPR का जो स्ट्रेटजी है, अगर आपको वो पता नहीं है तो वो भी सीख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है CPR का, सेंट्रल पिवट रेंज। तो इसका स्ट्रेटजी के हिसाब से भी क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया था वाइड CPR जब होगा तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल साइडवेज हो सकता है, तो मार्केट ने किया क्या, और मैंने बोला था ये जो वर्जन CPR है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, और आज देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, और मैंने बोला भी था रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए, अगर आप यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड लेते तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक मिल जाता अपसाइड के लिए, और यहाँ पर एम पैटर्न पे भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो देखो आप, अगर जो जो मैंने सिखाया आप सब, आपको सब आता, ठीक है, आप सब ध्यान से सीख लेते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता। मेरे दिए हुए लेवल से तीन बार आपको प्रॉफिट मिल जाता है, इसके अलावा आपको एम पैटर्न पे एक बार प्रॉफिट मिल जाता तो चार बार प्रॉफिट मिल गया, इसके अलावा CPR पे एक ट्रेड लेते तो फाइव टाइम्स, ओके, फाइव टाइम्स आप ट्रेड लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी। अगर आपको प्रॉफिट बुक ही करना होगा मार्केट से तो आपको ऐसे ही ट्रेड लेना होगा, हर एक स्ट्रेटजी से अलग अलग से पैसा कमाना होगा। स्ट्रेटजी मतलब आपको बस आना चाहिए, अच्छा ये कैंडलस्टिक बन रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाय करोगे और एग्जिट करोगे प्रॉफिट लेकर। अब दोबारा आप देख रहे हो कि अच्छा ये बन रहा है ये कैंडल, मतलब मार्केट नीचे आएगा तो आप सेल करके प्रॉफिट बुक करोगे। ऐसे कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट बुक करना होगा तभी आप शेयर में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया आपको, तो लेवल्स वगैरह डिलीट करते और मंडे के लिए लेवल्स निकालते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो, तो एक रेंज पे ही है मार्केट, अभी तक इस रेंज को ब्रेकडाउन नहीं किया, 36,088 पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, और हमारा रेंज होगा ये, एक काम करते इसको रेंज बना लेते, इसको अगर ये डोजी का भी लो है, अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा रहेगा, और ब्रेकआउट के लिए आज का हाई ले लेते हैं। ओके, आप चलते 15 के चार्ट पे। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अगर
रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ब्रेक करके, तो हम बाई करेंगे, एकदम सिंपल है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही खेल है। और अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ करना होगा मार्केट में तो क्या होगा, तो टेलीग्राम पे हम अपडेट करते ही है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बिल्कुल भी। ओके, ट्रेंड लाइन वगैरह अभी तो कुछ नहीं बन रहा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा था और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक भी ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और इसको ब्रेक डाउन भी मार्केट ने कर दिया। तो अब क्या करते हैं, लेवल्स तो मैंने दे दिया, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। आपके लिए हो सकता है तो कुछ नेरोजन वगैरह करके दे देते हैं। एक बार मैं फिबो को प्लॉट करके देखता हूँ। यहाँ से फिबो को लगाया, मार्केट सीधा नीचे तक आ गया है ऑलमोस्ट। ओके, तो मार्केट में कल कैसा मूवमेंट आ सकता है मेरे हिसाब से? ओके, मेरे हिसाब से मार्केट अगर इस एरिया पे ओपन होगा तो मार्केट अपर साइड के लिए जा सकता है, तो आप बाइंग साइड के लिए जाओगे। बट कब जाओगे? ये स्विंग क्रॉस करते ही। ओके, इस स्विंग के ऊपर आप बाय करोगे। तो इससे ज़्यादा निरोधन मैं नहीं कर सकता, मैं आपको करके दे दिया। तो अब चलते निफ्टी में। तो निफ्टी में कैसा रहा देखो, मेरे हिसाब से क्या था, इस लेवल्स के ऊपर बोला था बाइंग साइड के लिए, ब्रेकआउट दिया, बाई करते तो यहाँ से यारक प्रॉफिट मिल जाता। इसके नीचे बोला था सेल करने के लिए, सेल करते तो यहाँ से यारक प्रॉफिट मिल जाता। और मैंने ये वाला जो मूवमेंट है ये भी मैंने कैच किया और टेलीग्राम पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया था। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होते हैं तो आपको ये वाला मूवमेंट भी मिल जाता। तो निफ्टी में भी हमने 3 times प्रॉफिट बुक किया। आज हमने आप बता देते हैं, निफ्टी में हमने 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। ओके, टोटल। और बैंक निफ्टी में 330 प्लस का, ओके, 330 प्लस का प्रॉफिट हमने बुक किया। तो सोच लो कितना प्रॉफिट होता है दोनों मिलाकर, एक एक लॉट भी अगर आप बाय करते तो। लेवल्स डिलीट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और गाइस, हाँ, अगर आपको हमारे पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमारे प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिनिमम सा पेमेंट है वो पे करके ज्वाइन हो सकते हो और हर रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होना है तो भी कोई बात नहीं, LS Blue का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। LS Blue पे अकाउंट ओपन करो, एक्टिविटी ट्रेड करो और क्लाइंट से हमारे शेयर करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड लेंगे, यहाँ पर इस लेवल्स को मार्केट अगर क्लियर करता है तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे और इस लेवल्स के ऊपर हम इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, सिंपल है। तो लेवल्स आपको मार्क करके देते हैं, ये एक लेवल्स मैंने दे दिया आपको। ओके, और अपर साइड के लिए भी एक लेवल्स ज़रूरी है और ये लेवल्स दे दिया। और चल रहे 5 मिनट के चार्ट पे देखो, ये हो गया हमारा लेवल्स। मार्केट देखो कैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। ओके, और इसके नीचे हम करेंगे सेल, है ना, एकदम सिंपल है कि नहीं, बोलो। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर नैरो डाउन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है या नीचे ओपन होता तो क्या करना होगा, इसके बारे में तो टेलीग्राम पे बताएंगे। और साइडवेज अगर होगा तो भी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल बनना है। बट मार्केट कल अगर इस स्विंग को क्लियर करता है तो आप बाइंग साइड के लिए जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट यही कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट अपर साइड के लिए जा सकता है। ओके, अगर इसके नीचे ओपन होगा तो मार्केट लोअर लेवल के लिए जा सकता है। तो चलो सिंपल वैसे मैंने आपको समझा दिया, कैसा लगे मुझे बताना। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो 1 लाख जरूर करना, आपका 1 लाख मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, एंजॉय योर लाइफ।